पिछले 4-5 दिनों से पूरा मीडिया पेपराजी सारी बॉलीवुड की फिल्मों की कवरेज छोड़कर सनी पाजी के बेटे की मैरिज को कवर कर रहा है, बिकॉज कई सारे फंक्शन बैक टू बैक हो रहे हैं, फिर चाहे वो रोका हो, हल्दी हो, संगीत हो या मैरिज या फिर रिसेप्शन। लेकिन सबको इस बात का वेट था कि आखिर सेलिब्रिटीज कब आएंगे, बिकॉज मोस्टली इवेंट जो हुए थे सनी पाजी घर पे वो फैमिली वालों की गैदरिंग में हुए थे। बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स लगभग गायब थे, सिर्फ रणवीर सिंह थे जो उनके रोका या संगीत में आए थे। लेकिन जैसे ही ताजलैंड में रिसेप्शन का प्रोग्राम हुआ, बड़े बड़े सेलेब के चेहरे दिखने स्टार्ट हुए। सबसे पहले आए सलमान खान, जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद आमिर खान भी आए, शत्रुघ्न सिन्हा भी आए, प्रेम चोपड़ा भी आए और बहुत सारे आए। लेकिन सलमान खान की जो स्वैग वाली एंट्री थी उसने सबका दिल जीत लिया, बिकॉज सलमान खान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। लोग कह रहे थे एक तरफ सनी पाजी घर में मैरिज हो रही है और सलमान खान उनके जिगरी दोस्त होने के बावजूद आ नहीं रहे हैं, जबकि वो बिग बॉस के OTT को लॉन्च कर रहे थे, मुंबई में थे, लेकिन फिर भी सनी पाजी घर में मैरिज अटेंड करने नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में लग रहा था सनी पाजी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलाया ना हो, बिकॉज सनी पाजी ने कई बड़े सितारों को बुलाया नहीं है। खासतौर से कपूर खानदान और बच्चन परिवार तो इस पूरी मैरिज से दूर रहा, जो कि बहुत सकते वाली बात है और बहुत ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है। वैसे ये दोनों तीनों परिवार काफी टाइम से एक साथ रहे हैं। धर्मेंद्र का तो बच्चन साहब से नाता बहुत पुराना है, फिर भी इस मैरिज में दोनों नहीं दिखे, ये बहुत रेयर मूवमेंट है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा साथ में आए। ऐसे में सवाल उठता है दोनों परिवारों के बीच में आखिर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बात करते हैं अपने सलमान पाजी की, बिकॉज सलमान खान जब आते हैं तब सारा मीडिया फ्रेंचाइजी एक्टिव हो जाता है और सारी भीड़ छट जाती है। मजे की बात यह है कि सलमान खान खुद मैरिज नहीं करते, लेकिन जब जब वो किसी मैरिज में जाते हैं सारा फोकस कैमरों का उनकी तरफ हो जाता है, फिर चाहे उनके ड्राइवर की मैरिज हो, उनके फैमिली मेंबर्स की मैरिज हो या फिर उनके दोस्त की मैरिज हो। तो यहाँ सलमान खान जब एंट्री लेते हैं तब उनके सामने आते हैं सनी देओल की बहू और बेटे यानी करण और जिसा। सलमान खान खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और बहुत सारी बधाइयां भी देते हैं। ऐसे में एक बात तो क्लियर हो गई, जब सनी पाजी को जरूरत पड़ती है तब हमारे साथ सलमान पाजी दिखाई देते हैं, और जब सलमान पाजी को जरूरत पड़ती है अपने करियर वाइज तब एक टाइम पे सनी पाजी साथ दिखाई देते थे। इसे कहते हैं जानी दोस्ती। लेकिन उन जाने दुश्मनों का क्या जिन्हें सनी ने अपनी मैरिज में बुलाया ही नहीं। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।